हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुपेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कि तत्काल टिकट अपने मोबाइल से कैसे बुक करते हैं। दोस्तों, आप सबको बता दूँ कि तत्काल टिकट 11 बजे बुक होता है, 1 से 2 मिनट के अंदर सभी टिकटें फुल हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा टाइम हो रहा है 10:58 हो रहा है और यहाँ पे 11 बजने में 2 मिनट कम है। तो जैसे ही 11 बजता है, मैं आप सभी को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, A to Z दिखाऊंगा कि कैसे तत्काल टिकट बुक करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर, हम तत्काल टिकट बुक करें, सीट फुल हो जाता है, हमसे तत्काल टिकट बुक नहीं हो पा रहा है। सो आज की सीट में आप सबको पूरा लाइव दिखाने वाला हूँ, पूरा डेमो में दिखाऊंगा और कुछ ट्रिक बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल से तत्काल टिकट को बुक कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसे हेल्पफुल वीडियो को देखने के लिए चैनल से 1 घंटे हुआ उसके दबा दीजिएगा। इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई क्यूरी रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, तत्काल टिकट बुकिंग करने से पहले सबसे पहले आप अपना मोबाइल का नेट का स्पीड चेक कर लीजिए कि नेट अच्छा काम कर रहा है कि नहीं। दोस्तों, यदि अच्छा नेट काम नहीं कर रहा है तो आपको 11 बजे से 5 या 10 मिनट पहले उस स्थान पर जाना चाहिए जहां पे नेट अच्छा काम करता हो। 11 बजने में 1 या 2 मिनट कम हो तब आपको अपने IRCTC एप्लीकेशन को ओपन करना है और इसको लॉगिन करना है। दोस्तों, आपने IRCTC में अकाउंट नहीं बनाया है तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे IRCTC एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं अपना पिन डालता हूँ। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा वेरीफाई हो रहा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करता हूँ। दोस्तों, इतना आपको काम 11 बजे से पहले ही काम कर लेना है, यानी कि आपके 11 बजे में 1 मिनट कम होता है तभी आपको ये काम कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सक्सेसफुल IRCTC एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुका हूँ। इसके बाद आपको प्लान में जोने पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं छपरा से लुधियाना जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे फॉर्म में छपरा CPR और 2 में LDH यानी कि लुधियाना ऑलरेडी सिलेक्ट है। दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं कि हमें कहां से कहां तक जाना है, ये चीज़ मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया हूं। यानी कि 11 बजने में 10 या 15 मिनट कम था तभी मैंने IRCTC एप्लीकेशन को ओपन किया था और उस समय मैंने सेलेक्ट कर लिया था कि हमें कहां से कहां तक जाना है। इसी तरह से आपको भी सिलेक्ट कर लेना है, 11 बजने में जब 10 या 15 मिनट कम हो तभी आपको IRCTC एप्लीकेशन को ओपन करना है और आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप कहां से कहां तक जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको तत्काल टिकट बुकिंग करते समय इतना टाइम नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको डायरेक्टली सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे तो उस रेट की जितना भी ट्रेनें होगी आपके सामने इस तरह आ जाएगी, जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। सबसे ऊपर आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सी टिकट बुक करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर तत्काल टिकट, तो इसको तत्काल को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आप जिस ट्रेन में टिकट बुकिंग करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपसे एक बात को ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको पूरा 11:00 में ही क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सीट अवेलेबल है, इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ प्रोसेस होगा, आपको वेट करना होगा, फिर ओके के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको पैसेंजर को ऐड करना है कि आप किसके नाम से टिकट बुकिंग करना चाहते हैं। इसके लिए यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको नाम डालना है कि किसके नाम से टिकट बुकिंग करना चाहते हैं। हम अपना नाम यहाँ पे अपना डालते हैं। इसके नीचे यहाँ पे एज डालना है कि एज कितना है। इसके नीचे आपको मेल फीमेल सेलेक्ट करना है कि क्या है। इसके बाद आपको सीट नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों, आपके साथ कोई पर्सन है जाने के लिए, उनका भी टिकट आप बुकिंग करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पे क्लिक करके इसी तरह से आपको उनका भी डिटेल डाल देना है। और आपके साथ कोई बच्चा है उसका भी टिकट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया गया ऐड इन पे इस पर क्लिक करके अपना बच्चा का भी डिटेल आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे अदर प्रेफरेंस में दोनों को टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को ध्यान देना है कि आप जहाँ पे जाना चाहते हैं वहाँ का एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है। और इसके साथ में आप सभी को एक बात को और ध्यान देना है कि आपका जो भी एड्रेस है उसको कहीं पे टाइप करके रख लीजिए, डायरेक्टली उसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कीजिए। जैसे कि मैंने अपना एड्रेस को कॉपी करके रखा हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर दिया हूँ। बाकी का लाइन आपको छोड़ देना है, जहाँ पे ऑप्शनल लिखा हुआ है इसको आपको छोड़ देना है। ऑप्शनल को छोड़ भी सकते हैं। इसके नीचे आपको अपना एरिया का पिन कोड डालना है, पिन कोड डालेंगे तो डायरेक्टली सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नीचे आपको अपना पंचायत का नाम सेलेक्ट करना है कि आप किस पंचायत से बिलोंग करते हैं। मैंने अपना पंचायत का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको वो सेलेक्ट करना है। दोस्तों, आपको यहाँ पर भीम UPI से पेमेंट करना है क्योंकि भीम UPI फास्ट पेमेंट करता है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंश्योरेंस में आपको यस करना है। इसके बाद आपको पे के बटन पे क्लिक करना है। जैसा पे के बटन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस होगा, आपको वेट करना होगा।
इसके बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी कितना सीट अवेलेबल है। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर डायरेक्टली क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा, या उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। मैंने भीम यूपीआई को सेलेक्ट किया हूँ। इसके बाद फिर आपको पे पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको अपना भीम यूपीआई आईडी जो भी है उसको डाल देना है। इसके बाद आपको पे के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप पे के बटन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस होगा, आपको वेट करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है। दोस्तों मैंने पेटीएम का यूपीआई आईडी को डाला था, तो मैंने अपने मोबाइल से पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ क्योंकि पेमेंट करने के लिए, और यहाँ पे देखता हूँ नोटिफिकेशन बार में, तो यहाँ पे आया नहीं है, इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन बार में आ चुका है यहाँ पे IRCTC से पेमेंट करने के लिए, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद पे के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपको पे के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको अपना यूपीआई पिन को डालना है। दोस्तों यहाँ पे आप सभी को ब्लैक दिखाता है क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है। दोस्तों यहाँ पे हम यूपीआई पिन को नहीं डालते हैं क्योंकि हमें टिकट नहीं बुक करना है, हमें सिर्फ आप सभी को प्रोसेस दिखाना था कि तत्काल टिकट कैसे बुक करते हैं। जिससे हम यहाँ पे यूपीआई पिन को डालेंगे तो हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको PNR नंबर मिल जाएगा और आपका टिकट बुक कन्फर्म हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरह से इसको फॉलो करके बहुत ही आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल से तत्काल टिकट बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई डाउट प्रॉब्लम होते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।